रुकिए भाई साहब, अरे भाई साहब रुकिए, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, हाँ आप ही से कह रहा हूँ कि भैया के एक मिनट के लिए रुक जाइए। भाई लगता है कि आप ये अपना मास्क यहाँ पर भूल गए हैं। देखिए भाई, कोरोना की महामारी चल रही है और चेहरे पर मास्क लगाकर घूमना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको कोरोना हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है, आप पर चालान भी पड़ सकता है। पहले कड़की का सीजन चल रहा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जमा पूंजी बचाइए, चालानों में मत डालिए, मास्क लगाकर घूमें, खुद की हिफाजत करिए और अपने चाहने वालों की भी हिफाजत करिए। आए अच्छा है, बहुत अच्छा है, 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। कलम वाली बाई कहा करती थी कि अपने झोपड़े पर ये मास्क लगाकर घूमो, इसे कोरोना नहीं होगा। कोरोना, अरे कोरोना का बाजार बहुत गर्म है, इसलिए अब कुछ भर गए मार्केट में वैक्सीन ब्लैक में बेचेंगे, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, दवाएं ब्लैक में बेचेंगे, इंसानों का खून चूसेंगे। इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई, अपने थोपड़े पर ये मास्क लगाकर घूमो और अपनी जान की हिफाजत करो और अपने चाहने वालों की भी। अच्छा नहीं, बहुत बुरा है ये कोरोना, बहुत बुरा है। खामोश, जली को आग, बुझे को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनता है उसे विश्वनाथ कहते हैं, और विश्वनाथ अपने चेहरे पर मास्क लगाना कभी नहीं भूलता। आपसे भी कहना चाहूंगा कि अपने मुंह पर मास्क लगाकर घूमे, अपनी हिफाजत करे और अपने चाहने वालों की। खामोश। मैं कसम दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस कोरोना से बचिए और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर घूमे। हम सबको मिलकर इससे लड़ना होगा और इस कोरोना को मार भगाना होगा। इसीलिए मैं भी मास्क लगाकर घूमता हूँ और सबसे यही कहता हूँ कि मास्क लगाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। मैं कसम, अगर मास्क नहीं लगाओगे तो चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। वेरी स्मार्ट बॉय, सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता है। लिली डार्लिंग, डोंट बी सिली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने चेहरे पर मास्क लगाकर घूमा करो, नहीं तो तुम्हें कोरोना हो जाएगा। वेरी स्मार्ट बॉय, इसीलिए मैं अपने चेहरे पर हमेशा मास्क लगाकर घूमता हूँ, मास्क लगाकर सोता हूँ, मास्क लगाकर खाता हूँ, मास्क लगाकर पीता हूँ। वेरी स्मार्ट बॉय। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, किसे पता था कि अब वैक्सीन के लिए भी तारीख लेनी पड़ेगी, लाइन लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अपने चेहरे पर ये मास्क लगा कर रखें, ना ही आपको वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी और ना ही दवाइयों की पड़ेगी। इसीलिए मास्क लगाइए और कोरोना को मार भगाइए। तारीख की जरूरत नहीं है, मास्क की जरूरत है। रे खम्भा उखाड़ के, रे घुंसा लगा के, रे मेरा भी नाम सुरमा भोप वाली ऐसे ही नहीं है। रे तुम सबको ये बताने आया हूँ, रे बाबा अपने चेहरे पर मास्क लगा लियो, रे कोरोना से बच जाओ, रे वरना ये कोरोना रे तुम्हारी वाट लगा देगा। रे भैया, पूरे रामगढ़ के वासियों को मैंने मास्क पहना दिया है, इसीलिए आपको भी मास्क पहना के लिए आ गया हूँ खम्मा उखाड़ के। स्वागत नहीं करोगे हमारा? हमारा नाम रॉबिन हुड चलबुल फांदे। देखिए कोरोना की महामारी चल रही है, इसीलिए आपसे कहते हैं कि ये मास्क अपने चेहरे पर लगा कर रखिए और अपनी और अपने चाहने वालों की हिफाजत करें और कोरोना को मार भगाएं। एक बार जो कमिटमेंट करता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इतनी शिद्दत से मैंने इसे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे इससे मिलाने की
साजिश की है, साजिश की है। दोस्तों आप जानते हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है। अगर हम चेहरे पर मास्क नहीं लगाए तो ये इन्फेक्शन हमें हो सकता है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे और अपने चेहरे पर ये मास्क लगा कर रखेंगे। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ इस कोरोना को हल्के में मत लेना। अरे भाई, अपनी और अपने चाहने वालों की हिफाजत करना। ये मास्क अपने चेहरे पर लगाए रखना, नहीं तो तुम्हें भी कोरोना हो सकता है भाई। इस कोरोना से मोगैम्बो बिल्कुल खुश नहीं हुआ। हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हूं आप सभी का दोस्त दावर खान, एंकर एंड मिमिक्री आर्टिस्ट। एक बड़ा ही प्यारा और यूजफुल मैसेज मैं अपने अंदाज में आप सभी से शेयर कर रहा हूं, और आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि अपनी हिफाजत करें, अपने चाहने वालों की हिफाजत करें, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, हाथों को बराबर धोएं, और प्लीज़ मेहरबानी फरमा कर आप जितनी मदद कर सकते हैं दूसरों की मदद करते रहिए, और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ आवाज़ उठाइए। और उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग इस मुश्किल घड़ी में पैसा कमाने में लगे हैं, वैक्सीन्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, इंजेक्शंस की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, ऊपर वाले से डरिए। आज किसी और का वक्त बुरा चल रहा है, हो सकता है कल आपका भी बुरा वक्त आए, इसीलिए समझ जाएं। आप जितना हो सके आप दूसरों की मदद करें, इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दें, और हमेशा खुश रहें, मास्क लगाना ना भूलें। एक्टिव न्यूज चैनल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.